वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम टी डब्ल्यू आर पिक कैसे इंस्टॉल करें और रूट कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो एम आई वाई 12.0.3.0 का आपको वर्षन देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, 1 नवंबर का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। ये जो है एक इंडियन वर्षन है। अगर आप यहाँ पे इंडियन या ग्लोबल में अगर आप यहाँ पे फ़र्क जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंडियन में जो है एलेक्सा देखने को मिलेगा, ग्लोबल में आपको यहाँ पे एलेक्सा नहीं देखने को मिलेगा। इंडियन में आपको यहाँ पे एम आई कॉलिंग ऐप है, उसके बाद ग्लोबल में जो है आपको यहाँ पे गूगल का कॉलिंग ऐप है। तो ये जो है एक इंडियन वर्जन है। तो यहाँ पे इंडियन वर्जन में जो है 12.0.3.0 का आपको यहाँ पे वर्जन देखने को मिल जाता है। तो ये वर्जन के ऊपर आप यहाँ पे बेशक टी डब्ल्यू आर पी और रूट यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या करना है अपने डिवाइस का, आपको यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर लेना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेरे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर चुका हूँ। तो अगर आपको वो चेक करना है तो एम आई वाई वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बूट लोडर जो कि OEM अनलॉकिंग बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि यहाँ पे दिस डिवाइस इज अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक है। तो बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो का जाके देख के आप यहाँ पे अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। और बूट लोडर अनलॉक करने के बाद यहाँ पे टी डब्ल्यू आर पी या रूट करना चाहते हो तो बेशक ये वीडियो को देख के आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना है। तो यहाँ पे फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद जो है आपका डिवाइस यहाँ पे फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस आ चुका है यहाँ पे फास्ट बूट मोड में। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पीसी से कनेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है पीसी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पीसी में। आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो यहाँ पे टी डब्ल्यू आर पी 10 दोनों को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को जो है एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर आ चुका है, ये फोल्डर को ओपन कर लीजिए, ये फोल्डर को भी ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो है सी एम डी आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सी एम डी टाइप करके इंटर करना है, उसके बाद जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है नहीं है। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक रैंडम आपको नंबर शो कर रहा है। उसके बाद एक फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, और फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी टाइप करने के बाद जो टी डब्ल्यू आर पी 10 है उसको यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो टी डब्ल्यू आर पी फ्लैश हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन को पीसी से। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस में आना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होने के बाद यहाँ पे पावर बटन को रिलीज कर देना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज करना है। तो यहाँ पे दोनों को कंटिन्यूसली होल्ड रखना है। अगर आप एक भी की रिलीज करोगे तो यहाँ पे बूट लूप पे जा सकता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है। और डिवाइस ऑफ हो चुका है, पावर बटन को यहाँ पे रिलीज करके वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है। वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेडमी का लोगो आ चुका है। आपको फिर से कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड रखना है, जो कि टी डब्ल्यू आर पी में बूट होने तक। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली होल्ड रखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार फ्लैश हो चुका है टी डब्ल्यू आर पी, और एक बार स्टेबल आएगा जब तक आपको यहाँ पे रिलीज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी डब्ल्यू आर पी आ चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पे स्वाइप टू अनलॉक कर लेना है। बार लॉक करिए, लॉक अनलॉक, स्वाइप टू अनलॉक करना है। उसके बाद एडवांस में जाना है, आपको यहाँ पे क्लोज एबीबी क्लोज कर लेना है।
और उसके बाद होम प्रेस करना है, आपको यहाँ पे माउंट में जाना है, आपको यहाँ पे सिस्टम वेंडर दोनों को माउंट करना है, होम प्रेस करिए। उसके बाद एडवांस में जाना है, आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाना है, आपको यहाँ पे सिस्टम रूट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है रिकवरी फ्रॉम बूट देख सकते हो, इसको यहाँ पे डिलीट कर देना है, और उसके बाद होम प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे जो है एडवांस में जाना है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल रूट क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल रूट कर लेना है, जो कि यहाँ पे TWRP भी परमानेंट हो जाएगा और यहाँ पे रूट भी इंस्टॉल्ड हो जाएगा विदाउट डेटा लॉस के। इस मेथड में यहाँ पे डेटा इरेज नहीं होगा, डेटा आपका सेफ रहेगा, और यहाँ पे बूटलॉप भी नहीं होगा, जो कि एक सेफेस्ट मेथड है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जिस दिन पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बना के बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि फ्लैश हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है जो कि मैजिस मैनेजर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिवाइस बूट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है और यहाँ पे डेटा वाइप नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है जो कि मैजेस मैनेजर यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे रूट चेकर इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे रूट चेकर कॉपी कर चुका हूँ अपने OTG में। तो यहाँ पे मैं OTG प्लगइन कर लेता हूँ, रूट चेकर को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेता हूँ। रूट चेकर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको रूट चेकर भी बता देता हूँ। रूट चेकर आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट फॉर्म टूल, रूट चेकर और यहाँ पे जो है TWRP 10, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देख सकते हो रूट चेकर इंस्टॉल्ड हो चुका है, उसके बाद आप OTG को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, अग्री कर लीजिए, गेट स्टार्टेड, उसके बाद वेरीफाई रूट करना है, और आपको यहाँ पे परमिशन ग्रांट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि रूट यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे TWRP में जाना चाहते हो, तो TWRP में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है, डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज करना है। डिवाइस ऑफ हो चुका है, पावर बटन को यहाँ पे रिलीज करना है, वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि रेडमी का लोगो आ चुका है, आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। तो देख सकते हो TWRP बूट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है इस मेथड में जो है यहाँ पे डेटा इरेज नहीं होगा, बूट लूप नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा सेफ मेथड है TWRP इंस्टॉल्ड और रूट इंस्टॉल करने का। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।